नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आजाद, आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 22 जून, 22 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये सन 2015 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है और यूनाइटेड नेशन ने इसको 2014 में जनरल असेंबली में इसको पास किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में योग के प्रचार और प्रसार के लिए, उसकी जागरूकता के लिए, और इसकी जो अहमियत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका टाइटल ही है करें योग रहें निरोग। तो अगर आप योग करते हैं तो संभवतः 100% आपके जीवन में इसके लाभ होंगे, लेकिन एक दिन योग करने से नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्रत्येक दिन अपने दिनचर्या के अंदर योगासन को शामिल करिए, कुछ नहीं तो कम से कम प्राणायाम को शामिल करिए, आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सन 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अब यहां पे डेट्स की बात हो रही है, तो अदर इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो 18 जून को अभी हाल ही में आर्टिस्टिक प्राइड डे और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया, तो दो ये है। 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, और साथ में विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया 19 जून को। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा। अब यूनाइटेड नेशन का जिक्र हुआ, तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। ऑफिशियल इसकी लैंग्वेज 6 भाषाएं हैं, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल यानी संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा के महासचिव जो है वह एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे। अब वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे मनाने के पीछे का उद्देश्य है पूरी दुनिया में मानवता का प्रचार और प्रसार करना, लोगों को अवेयरनेस करना कि भैया आप सद्भाव के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें। तो प्रत्येक लोगों के अंदर ये इस भावना को विकसित करने के लिए प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे मनाया जाता है। अब अदर इसमें डेट आए हुए इंपॉर्टेंट डेट्स उनको देख लेते हैं। 18 जून को वर्ल्ड आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया गया, 18 जून को ही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया, 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द अफ्रीकन चाइल्ड मनाया गया, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे रिलेटेड, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। अब वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो ऐसे सारे म्यूजिशियन को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो किसी भी प्रकार से म्यूजिक से जुड़े हों, चाहे वो शौकिया तौर पे हो या प्रोफेशनली हो, उन सारे लोगों को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और ये शुरुआत इसके हुई थी फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अदर इंपॉर्टेंट डेट्स जो इसमें आए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 19 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, ये याद करिए, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। विश्व सिकल सेल दिवस, दोनों चीजें 19 जून को मनाया जाता है। 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अभी यहां पे हमने अभी जिक्र किया 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया था। तो अभी 21 जून को हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। तो 21 जून को हम वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमनिस्टिक डे मनाते हैं, और वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है 21 जून के, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देश भर में जिला स्तर पर खेलो इंडिया के कितने सेंटर सरकार खोलने जा रही है? तो 1000 सेंटर खोलने की घोषणा सरकार ने किया है पूरे देश भर में जिला स्तर पर। अब इस सेंटर को खोलने का उद्देश्य सरकार का, भारत को एक खेल महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करने का उद्देश्य रखा गया है। अब ये जो सेंटर्स खुलेंगे इनको या तो पिछले चैंपियन चलाएंगे, या उन्हें जो भी मतलब चैंपियन रहे हुए खेल के जिस भी विभाग के वो चलाएंगे, या तो उन्हें कोच के रूप में रखा जाएगा। अब इन सारे चैंपियन की पहचान करने के लिए एक शॉर्टलिस्टिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिसके तहत सरकार चयन करेगी उनका और उनके द्वारा इस सेंटर को मेंटर किया जाएगा।
और बेहतर से बेहतर जिले स्तर से खिलाड़ियों की तैयार किया जाएगा, जो हमारा भारत का नाम देश विदेश में रोशन कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य का निधन हो गया? तो बीपीआर विट्ठल, इनका निधन हुआ है और ये 10वें वित्त आयोग के सदस्य थे। आप इनको इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये 1950 बैच के आईएएस अधिकारी थे। 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव और वित्त और योजना के रूप में कार्य किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मलावी और सुडानों की सरकारों के लिए इन्होंने राजकोषीय सलाहकार के रूप में भी काम किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ का अध्यक्ष कब बनेगा? तो अगस्त 2021 में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ का अध्यक्ष बनेगा। अभी हाल ही में 17 जून को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अब जो ये अध्यक्ष होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो अस्थायी तौर पे काम करता है प्रत्येक महीने के लिए, एक महीने के लिए अध्यक्ष होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसमें, जो अभी हाल ही में जितने लोग चयन हुआ है उनको अल्फाबेटिकल क्रम में बार बार प्रत्येक महीने के लिए सदस्यों को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने का मौका दिया जाता है। तो भारत का नंबर आएगा अगस्त 2021 में। अच्छा, भारत जो गैर अस्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है वो जनवरी 2021 से शुरू होगा और 2022 दिसंबर तक रहेगा। 2 साल के लिए चुनाव होता है, तो 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चयन हो गया है और ये 8वीं बार है जब भारत अस्थायी सदस्य के रूप में काम कर रहा है। कुल 15 सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को किस कंपनी ने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने इन दोनों खिलाड़ियों को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इन दोनों लोग को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सौरव गांगुली भूतपूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान, वर्तमान में ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। सुनील छेत्री ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। तो इन दोनों लोग को इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ये जेएसडब्ल्यू सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पार्थ जिंदल और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नीलेश नरवेकर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस मलयालम निर्देशक लेखक निर्माता का निधन हो गया? अभी के आर सच्चिदानंद का हाल ही में निधन हुआ है। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये साल 2015 से फिल्म बनाते हैं। इनकी पहली फिल्म थी, निर्देशित पहली फिल्म थी अनारकली। अब यहाँ पे मलयालम का जिक्र हुआ है। मलयालम केरल की भाषा है, केरल में बोली जाती है, साथ में लक्षद्वीप और पांडिचेरी में बोली जाती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब केरल का जिक्र हुआ तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब है वोल्कन बोजिरकिर। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये तुर्की के राजनयिक हैं जिनको 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इनका सितंबर 2020 से इनका जो सत्र है वो शुरू होगा। अच्छा, इस पद के लिए इनको 178 सदस्यों का समर्थन हासिल हुआ। इस समय जो अध्यक्ष है वो तिजानी मोहम्मद बंदे है, उनकी जगह पे इनका चयन होगा, मतलब ये अध्यक्ष बनेंगे और 1 साल इनका कार्यकाल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, फिर बता देता हूँ। इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है और इसके संस्थापक संयुक्त राष्ट्र है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ICMR ने किस यूजर फ्रेंडली पीपीई किट को मंजूरी दी है? तो हाल ही में 9 रक्षा पीपीई किट को ICMR ने मंजूरी दी है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो पीपी किट होगा, ये जितने भी बाजार में पीपी किट है उन सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें जो सांस लेने की प्रक्रिया या जो उमस या तपन या जो भी दिक्कतें हो रही थी उन सबको हटाने में कामयाब हुआ है। बेहतर है, फ्रंट लाइन में डॉक्टर्स काम कर सकेंगे, मरीज के ज्यादा करीब होकर के काम करेंगे और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और उन्हें जो परेशानियां हो रही थी गर्मी या अन्य प्रकार की जो भी, उन सारी समस्याओं से बचेंगे। तो इसका मंजूरी दे दिया है ICMR ने। आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए कल के क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था सरल होम लोन स्कीम किसने लॉन्च किया? तो ICICI होम फाइनेंस ने सरल लोन स्कीम लॉन्च किया था।
आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, सत्यभामा का संबंध किससे है? चार ऑप्शन है, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल। जो भी सही आंसर होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो facebook.com/rzclasses, या इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो instagram.com/rzclasses, या आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस पूरे वीडियो का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए।